से पहले 32 लोगों को इस तरह के केस में उनकी सदस्यता गई है। पहले तो सत्याग्रह किस चीज का कर रहे हैं, तो कर रहे हैं पिछड़ों को गाली देने का अधिकार मिले। न्यायालय का भी अपमान किया और पूरे देश के अति पिछड़ों का। भाई अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो खुश हो रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस जो है आज सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है, अब इसको लेकर के पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है नाखून काटकर शहीद कहलाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कौन लोग जो है ये सत्याग्रह कर रहे हैं, जो लोग जो है सिखों का नरसंहार कर रहे हैं वो लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं क्या, और भी क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। देखिए नाखून कटा करके शहीद होना, अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से सीखे। ये राहुल गांधी किसको लेके सत्याग्रह कर रहे हैं, जो कोर्ट में अहंकार से अपमान भी किया न्यायालय का, और राहुल गांधी से पहले 32 लोगों को इस तरह के केस में उनकी सदस्यता गई है, ये क्यों नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं। और आज दिल्ली के ये जो कह रहे हैं कि मैं कौन जत्था निकाल रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, लग रहा है जैसे देश के अंग्रेज आ गया है, अंग्रेज से तो जाकर के मिलके देश को गाली दे रहे हैं। और दिल्ली में इस सत्याग्रह में, पहले तो सत्याग्रह किस चीज का कर रहे हैं, तो कर रहे हैं पिछड़ों को गाली देने का अधिकार मिले, इसका सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह किसके नेतृत्व में कर रहे हैं, जो दिल्ली में सिखों की हत्या की, उस नरसंहार में जो सबसे बड़ा योगदान रहा था जगदीश टाइटलर का, उसके साथ कर रहे हैं। ये कांग्रेस किसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं, क्या अति पिछड़ों को गाली देने के लिए उनका सहानुभूति लेंगे या सिखों का सहानुभूति लेंगे। ये नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। खुद को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है राहुल गांधी, ट्विटर पे लिखा है उन्होंने कि मैं डिस्क्वालीफाइड सांसद हूं, प्रोफाइल चेंज कर दिया है। कुछ दिन पहले तो इन्होंने खुद को ही कहा था कि मैं अनफॉर्चुनेट है कि मैं सांसद हूँ, और जब अनफॉर्चुनेट अपने को ही कह रहे हैं तो कानून में वहाँ जब दो दो बार माफी मांगने का मौका मिला, इतने बड़े समाज को गाली देंगे, अति पिछड़े समाज को, तो माफी भी नहीं मांगेंगे। और आप इतने बड़े सहनशाह हो गए कि पूरे समाज को पिछड़े को गाली देंगे। आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा पिछड़ों का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, आपको ये अखर रहा है, आपको तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने न्यायालय का भी अपमान किया और पूरे देश के अति पिछड़ों का। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, चाहे कुछ हो जाए मैं किसी से डरने वाले नहीं। सावरकर बनने में कई जन्म लगेंगे राहुल गांधी को। सावरकर को अगर जानना हो तो जा करके सेलुलर जेल को देख के आवे, सावरकर क्या थे। सर तमाम विपक्ष के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया है। हालांकि उनके पार्टी के कुछ नेता जरूर कहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे तरीके से चुप्पी साध रखा है। भाई अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो खुश हो रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार जी को खुशी हो रही कि अब मेरा मौका आ जाएगा। यहाँ तो हर लोग देख रहा है कि मेरा मौका कब आएगा, और वही सब इकट्ठे हो रहे हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है
कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।